सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 15,000 रुपए से बढ़ाकर के 25,000 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 3,82,000 से भी गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न कराने में सफलता प्राप्त हुई है। तो 39,000 से अधिक वीसी सखी द्वारा 26,853 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन और 72,30,00,000 रुपए का कमीशन भी अर्जित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति सफलतापूर्वक संचालित है। तो उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और नोएडा ग्रेटर नोएडा के साथ 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हम सब जानते हैं कि आज का युवा एक नई आकांक्षा के साथ विकास में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। इसके लिए प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनना और उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक नियोजित प्रयास कर रही है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश के निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उद्यमियों की सुविधा के लिए 27 सेक्टोरियल नीतियां लागू हैं। सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र, 43 विभागों की 487 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो इसके लिए राज्य सरकार की विनो योजना फ्लैग पार्क योजना के अंतर्गत 11 जनपदों में फ्लैग पार्क स्वीकृत हुए हैं। 5 नए फ्लैग पार्क प्रक्रियाधीन है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने के फलस्वरूप प्रदेश का निर्यात 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के आज 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 सहित अब तक प्रदेश को निवेश के लिए 40,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फरवरी 24 में संपन्न चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गईं। विगत 7 वर्ष में राज्य में 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव धरातल पर उतार करके प्रोडक्शन के लिए तैयार है। FDI एवं फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए नीति घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाएं आवश्यक हैं। सर्वाधिक संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। मेरठ प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज महाकुंभ 25 से पूर्व संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 15 क्रियाशील एयरपोर्ट्स हैं, इनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल हैं। निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला
देश का एकमात्र राज्य होगा।